फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगी और मेरे पास जो क्रिसेंथेमम का पुराना प्लांट है उसको मैं आज रिपोर्ट करूंगी। तो कैसे रिपोर्टिंग करना है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेरे गार्डन में ये मॉस रोज पोर्चुलाका के फ्लावर बहुत ही प्यारे खिले हैं और ब्लूमिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। पिंक है, रेड है, येलो है, सब कलर है, हाइब्रिड वाले है और देसी भी है। तो ब्लूमिंग 15 दिन से लगातार ब्लूमिंग हो रही है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं। और ये मैंने टेरेस पर रखे हैं तो यहाँ धूप अच्छी आती है। आज तो हमारे 2 दिन से बारिश हुई है अभी हमारे यहाँ, तो अभी तो बारिश में और भी अच्छे हो जाएंगे। ये धूप में रखे है सब, देखिए बहुत ही अच्छे रखे, बहुत ही प्यारे खिले हैं। सब कलर है मेरे पास, और रेड है, पिंक है, और ये देखिए ये भी बहुत पीच कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो कलर देखिए, सब बहुत ही अच्छे कलर खिल रहे हैं। देखिए हमारे गार्डन में ऊपर टेरेस पर रखे हैं, देखिए देखिए फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में ये ऑरेंज कलर के हाइबिस्कस कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए एक साथ 3 खिले हैं और कलियाँ ढेरों सारी बनी है। देखिए अभी हमारे आज से बारिश शुरू हुई हमारे यहाँ से, तो देखिए बारिश में मेरे प्लांट सब मैंने इस तरफ रख दिए है, तो बहुत ही एकदम ग्रीन लग रहे हैं सब। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है सबकी, रोज में और सब में। और ये देखिए यहाँ पर मैं अपना गार्डन दिखाऊंगी। यहाँ पर ये क्रिसमस के मैंने सीड से लगाए थे, वहाँ भी लगातार फ्लावरिंग हो रही है और बड बन रहे हैं। और ये सब मैंने सीड बनाने के लिए रख दिए है, उसको मैंने काटा नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 फ्लावर हुए थे ऑरेंज कलर के, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरा हाइबिस्कस है डबल पेटल्स वाला, उसमें भी देखिए कितनी सारी कलियाँ बनी है। देखिए कल तो फ्लावर खिल जाएंगे, गुच्छे में बन वो जो फ्लावर बनता है ना, वो ये लाइट पिंक कलर का है ये, और येलो पिंक मिक्स है इसमें। तो ये भी बहुत अच्छा पिंक चल रहा है। ये भी इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा कटिंग ऊपर से कर दिया था, तो अभी सब में कलियाँ बनने लगी है। और ये हमारा वाइट कलर का देसी है, देखिए इसमें भी दो तीन फ्लावर तो आते ही रहते हैं। और देखिए ये कॉस्मोस के फ्लावर तो लगातार फ्लावरिंग होती रही, कॉस्मोस के प्लांट में तो फ्लावरिंग होती रहती। देखिए यहाँ पर गुच्छे में फ्लावर आते, ये तो बहुत ही हार्डी प्लांट है और इजी से चलने वाला प्लांट है ये कॉस्मोस के। और ये देसी है डिस्कस, उसमें भी 5-6 फ्लावर देखिए खिले, कितने सब कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये देसी है डिस्कस, एक और वाइट वाला है, वाइट फ्लावर को तो कितने। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन में कितना प्यारा सा बटरफ्लाई एक ही उड़ रहा है और सब फ्लावर में बैठ रहा है। तो मैंने सोचा ये कितना प्यारा लग रहा है आपके साथ वो शेयर करो। देखिए कितना प्यारा है, हमारे गार्डन बहुत अच्छा लगता है ऐसे बटरफ्लाई आते हैं ना तो, और कितना सुंदर लगता है। देखिए बटरफ्लाई येलो कलर का, सब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए भर भर के फ्लावर आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर, और ये रेड वाला है, देखिए सब बहुत ही अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। देखिए और देखिए मेरे गार्डन में 4 o'clock फ्लावर बहुत ही अच्छे खिल रहे हैं। देखिए उसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, सब पिंक कलर के हैं और येलो है, तो लगातार इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है और बारिश के सीजन में तो और भी अच्छे लग रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं 4 o'clock के फ्लावर। देखिए देखिए हमारी यहाँ बारिश बहुत हुई है 2 दिन से, तो देखिए मेरे ये क्रिसेंथेमम का प्लांट है एक, और उसको रिपोर्ट करना होगा। देखिए पूरा ये झुक गया है और इसके रूट्स भी देखिए बाहर निकल गए हैं, पॉट भी छोटा पड़ रहा है। तो आज को मैं रिपोर्ट करूंगी और दूसरे जो मिट्टी के पॉट आते हैं उसमें मैं लगाऊंगी इसको। तो देखिए ये इसको मैं निकाल कर इसमें लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीमेंट का पॉट, अरे सॉरी, मिट्टी का पॉट लिया है ये मैंने, और इसमें मैंने कंपोस्ट, देखिए कंपोस्ट और खाद कंपोस्ट डाली है, मिट्टी, रेत और थोड़ा फंजीसाइड, अभी बारिश के सीजन में फंगस में इसलिए थोड़ा साफ फंजीसाइड आता है वो डाला है, और DAP के थोड़े दाने डाले हैं। तो ऐसी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है, इसकी बेस में पत्ते, सूखे पत्ते नीम के आते हैं वो भी छा दिए हैं, तो इससे हमारे इसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी रहेगी और पानी भी नहीं ठहरेगा। तो देखिए ऐसी मिट्टी बनानी है और ये इसको मैं इसमें लगा दूँगी। देखिए पूरा ढीला हो गया,
ये बहुत ही भारी हो गया है, तो इसको दो जन हम लगाएंगे और इसमें रख कर दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको इसमें लगा कर दिखाती हूँ आपको। देखिए इसके रूट बहुत ही फैल गए हैं उसके फ्रेंड्स। ये बहुत ही मुश्किल से इसमें लगा दिया है, बहुत मुश्किल हो गई इसको लगाने में। तो पर इसमें देखिए मैंने रख दिया है और साइड में हम मिट्टी डाल देंगे। इसको मैं साइड में बना दूंगी अच्छी तरह और इसको सपोर्ट भी दे दूंगी जिससे ये प्लांट हिले नहीं। इसमें साइड में मैंने मिट्टी डाल दी है सब जगह, तो इससे अच्छी तरह जम जाएगा। और रेनी सीजन हमारे, बारिश बहुत हो रही है, तो ये काम हम रेनी सीजन में रिपोर्टिंग हर प्लांट की कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा, सूख भी नहीं लगेगा और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी इसकी और जल्दी से इसमें वो फ्लावरिंग आने लगेगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसको सोक नहीं लगेगा। इस सीजन में हम कोई भी प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी ऊपर से और दूसरे नए प्लांट भी बना लूँगी, इसको कटिंग से लगा दूंगी। अब इस सीजन में हम इसकी कटिंग आराम से चल जाएगी, हम लगा सकते हैं। देखिए ये मैंने एक कटिंग लगाई थी तो ये भी दो दिन में चल गई। देखिए दो तीन दिन में और इसके रूप भी कर गए गया बाहर भी, इसमें ही रखी थी तो इसकी कटिंग ये ऐसे लग जाती है। ये तो बहुत इजी से लग जाती है, इसकी कटिंग तो बहुत इजी होती है लगाने की। तो हमारे अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर जो आते हैं ना इसमें, उसकी कटिंग हम लगा लेंगे, इस सीजन में लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है और इसको मैं सपोर्ट दे दूँगी तो इसे अच्छा चल जाएगा। लकड़ी का मैं इसी यहाँ पर साइड में इसको सपोर्ट दे दूँगी, यहाँ पर बस ऐसे ही बस अगले उससे गिरेगा नहीं, इसका सपोर्ट रहेगा इसे। देखिए और इसको मैं बारिश में ही रख दूँगी जिससे इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो और ये प्लांट हमारा अच्छी तरह से लग जाए दो तीन दिन में। स्कूल पर बारिश में ही रखना है ऊपर इसको। और आप भी ऐसे रिपोर्टिंग हर प्लांट की कर सकते हैं, कोई भी प्लांट हो हमारा, और नए प्लांट भी आप लगा सकते हैं। एक दो दिन में तो अपने प्लांट बहुत ही ग्रोथ करने लगेंगे और फास्ट ग्रोथ होगी सबकी। ऐसे ही हम प्लांट लगा देंगे क्रिसेंथेमम के। इसी सुंदर फूलों के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।